नगर पालिका निगम की महापौर नीरज पाल ने एक अनूठी पहल की है, जिसका स्वागत विपक्ष ने भी किया है। महापौर नीरज पाल ने शुक्रवार को एक बैठक आहूत की, जिसमें निगम के सभी पार्षदों से निगम के राजस्व बढ़ाने सुझाव मांगा, जिस पर विपक्ष ने भी अपनी सहमति देते हुए आने वाला कार्यकाल बेहतर होने की बातें कही। शुक्रवार का दिन नगर पालिक निगम भिलाई के इतिहास में काफी अहम साबित हुआ, क्योंकि शुक्रवार को नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल ने अपने कक्ष में निगम के सभी 70 वार्डों के पार्षदों की बैठक ली, जिसमें सभी पार्षदों से यह सुझाव मांगा गया कि निगम भिलाई का राजस्व किस तरह बढ़ाया जाए। इस अनूठी पहल का स्वागत विपक्ष ने भी किया है और कहा है कि वर्तमान महापौर नीरज पाल का कार्यकाल काफी अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि निगम भिलाई में ऐसा पहला महापौर काबिज हुआ है जो अपने कार्यों में विपक्ष की भूमिका को भी सुनिश्चित कर रहा है। बैठक के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही पार्षदों ने कई ऐसे सुझाव दिए, जिसके अमल हो जाने के बाद यकीनन निगम भिलाई का कोष राजस्व से भर सकता है। निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल ने आगामी आम सभा एवं बजट को देखते हुए यह बैठक आहूत की थी, जिसमें एक से बढ़कर एक सुझाव प्रस्तुत किए गए। निगम भिलाई के जनप्रतिनिधियों ने इस बैठक को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष रखी एवं महापौर नीरज पाल के शुरुआती कार्यों को बेहतर बताते हुए आगे बेहतर कार्यकाल होने की बातें कही हैं। साथ ही विपक्षी दलों के पार्षदों ने सदैव सत्ता पक्ष से समन्वय बनाकर चलने की बातें कही हैं। आज की बैठक एक्चुअल में महापौर जी ने इस बैठक को, जो भी आगामी बैठक को देखते हुए, जो भी नगर निगम को हमारे लिए आय हो सकता है, जिससे नगर निगम को फायदा हो सकता है, जिससे और हम जब भिलाई की जनता को और सुविधा दे सकती है, इस सब विषय को लेकर एक सुझाव के लिए सभी हमारे सम्मानित पार्षदों से एक हम लोग सुझाव ले रहे थे कि किस तरह आय होगा, किस तरह हम शहर को संवारें, किस तरह करें। हम सभी जितने माननीय सम्मानीय पूरे भिलाई नगर निगम के पार्षद हैं, सबसे चर्चा कर उनसे सभी से राय लिया और उस राय को हम MIC में रख कर उस पर कार्यों पर हम आगे के बजट में पेश करेंगे। सब कुछ विशेष सुझाव आया क्या भैया? विशेष सुझाव बहुत सारे आए हैं, साइकिल स्टूडेंट के लेकर, लोगों को लेकर, और शहर के किस तरह से शहर में अपन को नगर निगम को आय होगा, इसको लेकर बहुत सारे राय आए हैं। आदरणीय महापौर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज नगर निगम में आय को बढ़ाने के लिए और शहर की विकास को लेकर की बैठक आयोजित किया गया है। वैसे बहुत से पार्षद जी जो है अपना सुझाव दिए हैं नगर निगम में आय बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं व्यक्तिगत एक MIC मेंबर होने के नाते शहरवासियों के लिए और नगर निगम का आय कैसे बढ़े, इस पर मैं अपना सुझाव भी देना चाहूँगा। नगर निगम का अपना एक मॉल होना चाहिए, जिससे नगर निगम का आय बढ़े, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले। नगर निगम का अपना एक रेस्ट हाउस होना चाहिए, जिससे VIP जो लोग आते हैं बाहर से, उनको होटलों में ठहरना पड़े, उनका एक रेस्ट हाउस हो, जिससे नगर निगम का आय जो होटलों में देना पड़ता है वो अपना अपना रहे। दूसरा सुलभ शौचालय दिल्ली के तर्ज पर एक इंटरनेशनल सुलभ शौचालय होना चाहिए, पे एंड यूज़ के तर्ज पर। उसी तरह और भी सुझाव दिया गया है मेरे द्वारा, दक्षिण गंगोत्री मैदान में म्यूजियम बनाया जाए, उससे भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे और नगर निगम का आय होगा। जितने भी सांस्कृतिक भवन मांगलिक भवन खंडर हो रहे हैं, उनको ठेका पद्धति में दिया जाए, इससे नगर निगम का आय होगा। इसी प्रकार अनेक सुझाव आया है नगर निगम का।